अल्लाम वरम्ह वर्क, क्या हाल है आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसका जो अपकमिंग सेशन है यानी कि इसके बाद का सेशन है वो इंशाल्लाह तफसीली होगा, तो आप लोग जमे रहिएगा साथ में। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में जो हमने चीज़ें डिस्कशन करनी है वो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग है, उसके अंदर लोकल सोर्सिंग भी है और चाइना सोर्सिंग भी है। तो ज़्यादा लंबी चीज़ें हैं नहीं, बस इंशाल्लाह हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं इस चीज़ को, और बस ये उम्मीद है इंशाल्लाह इसी मीटिंग के अंदर ये पॉसिबली हो जाएगा, आई होप इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं। थिंग इज़ के पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है कि हमने जो आज डिस्कस करना है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज जो हमने डिस्कस करना है बेसिकली वो ये है, सोर्सिंग लोकल और चाइना दोनों करने हैं। इसके अंदर के प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए चाइना के अंदर और लोकल के अंदर कितना होना चाहिए, लोकल जो सोर्सिंग है वो किस तरह फाइंड करें, उनके साथ डीलिंग किस तरह करनी है जो लोकल सप्लायर्स होते हैं, चाइना की सोर्सिंग किस तरह फाइंड करनी है ओबियसली, और चाइना सोर्सिंग शिपमेंट जो है और फाइंडिंग चाइनीज जेंट्स इन पाकिस्तान, यानी कि हमने क्या करना है कि जो हमने शिपमेंट मंगवानी है जो आखिरी पॉइंट है वो थोड़ा सा मुश्किल था, वो किस तरह मैनेज करनी है। तो इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ तफसीलन। हम लोकल सोर्सिंग से शुरू करते हैं। लोकल सोर्सिंग में हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ मेजर चीज़ है वो ये है कि हमने जो फाइंड करनी है सप्लायर्स वो कहाँ से फाइंड करना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे ऑलरेडी कोर्स है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर हमने क्या करना है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो मैंने अपना ये पोर्शन खोल लिया जहाँ पर ऑलरेडी कह लें कि ये मैंने अपना ग्रुप का पोर्शन खोल लिया है जहाँ पर ऑलरेडी वो हैं, जहाँ पर मेरे ग्रुप्स हैं यानी कि जिन ग्रुप्स के अंदर मैं हूँ ये वो सारे ग्रुप्स हैं मेरे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मिसाल के तौर पे मैं दराज पे जाता हूँ, मुझे कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का वे है तरीका है सारा हमें वो मिलता है। अज्यूम कर लें कि मुझे, मैं फ्लैश सेल के अंदर ही जाता हूँ, मैं कोई एक प्रोडक्ट रेंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी जो ये जो कोई भी एक प्रोडक्ट है हमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर जो यानी कि एक प्रोडक्ट होगी उसे हम देख लेंगे फिर। लेट्स अज्यूम के मैंने फाइंड करनी है सोर्सिंग, ये एक ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जो कि इजीली मिल जाए हमें। चलो ये देख लेते हैं, इंकल रेजर। वैसे ये प्रोडक्ट मैं तो नहीं कहूँगा किसी को करना जायज़ है कि नहीं, उसमें यह है कि इसमें कुछ इसमें के यह है कि कुछ इस्लामिक पॉइंट भी हैं यानी कि ये प्रोडक्ट किसी एतबार से करना ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी ऑन सेफर साइड मैं कहता हूँ हमने सीखना ही है तो मैं इसे फाइंड करता हूँ। अच्छा, पहला तरीका क्या है लोकल सोर्सिंग फाइंड करने का, आपने आ जाना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आके लेट्स गो, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो है टिंकल रेजर तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, टिंकल आईब्रो रेजर ये इसका कीवर्ड है, मैं इसे सर्च करता हूँ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, जब मैंने इसे फेसबुक के ऊपर सर्च किया तो मेरे सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वो पोस्टें बता देगा जहाँ पर यानी कि ये इन इन ग्रुप्स के अंदर या इन इन जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ यानी कि इसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया है कि ये टिंकल रेजर या ये वाली प्रोडक्ट जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इनको मैं बात एक एक करके मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ। पहला तरीका क्या है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट का जो नेम है वो कॉपी किया, कॉपी करके मैंने वो फेसबुक के ऊपर जाके सर्च किया और उसके अंदर मुझे जितने भी ग्रुप्स के अंदर मैं ऐड हूँ उन सब के अंदर वो बता देगा। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ग्रुप्स के अंदर भी ऐड आपको ग्रुप्स वाला जो मामला है आपको वो भी पता हो कि ग्रुप्स के अंदर हमने किस तरह ऐड होना है और ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा क्या होता है, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं हमें टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे उसकी। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये पहले बंदे हैं, ये भाई साहब बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, मैं ये टैब के अंदर खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये खोल ली, उसके बाद ज़ूम करें ये बंदा बेच रहा है, मैंने इसे भी खोल लिया और ये भी बेच रहा है, मैंने इसे भी खोल लिया। मैंने सिर्फ तीन बंदों को खोला है,
अच्छा ये बंदा बेच रहा है 55 रुपए के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसके कमेंट्स के अंदर आना है, इसके मैंने कमेंट पढ़ने शुरू कर देने हैं यहाँ पर, यानी कि ऑल कमेंट्स है। और ये कह रहा है कि 40 रुपये में मुझसे ले लो। अच्छा ठीक है, अब पहले हमें 50 रुपये में सोर्सिंग मिली थी, अब हमें फ़ौरन से 40 रुपये में मिल गई है, इनबॉक्स में फाइनल प्राइस। अच्छा आप इस बंदे को मैसेज करें, मिसाल के तौर पे आपको ये बंदा मिल गया है, आप इस बंदे के पास जाएं, आप जाके इसे पर्सनल में मैसेज करें और मैसेज करके आप इसे बताएं कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे बल्क में चाहिए। अच्छा इससे रابطہ करने का तरीका क्या हो सकता है? रابطہ करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इससे बहुत पोलाइटली बात करें। पहले मिसाल के तौर पर आप इसे कह दें कि अस्सलाम वालेकुम, मैं तो वैसे उर्दू में लिखता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश वाली है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है, आप खैरियत से हैं, मैं सब कुछ कर देता हूँ, चलो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। मैंने इसे कहा कि मुझे टिंकल रेजर की ज़रूरत है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैं वैसे रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग उर्दू में बात करें, क्योंकि हमारे जो लोकल सप्लायर होते हैं ये मोस्टली दुकानदार ही होते हैं, तो इसलिए इनके साथ इंग्लिश में बात करना फिजिबल नहीं है, आप हमेशा कोशिश किया करें उर्दू में करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात करने में आसानी होगी, जिन सप्लायर से, जिन लोगों से आप बात करेंगे आपको आसानी से समझा सकेंगे। अच्छा फिर आप कहेंगे कि आपने बताना है कि मैंने इसके 100, अच्छा मैंने इसे कहा कि मैंने इसके 100 यूनिट बाय करने हैं, ठीक है। अब जब ये मुझे 100 यूनिट का रेट देगा तो फिर मैं इसे कहूँगा कि यार आप कुछ रेट मुनासिब करें, मैंने आपसे और मज़ीद यानी कि आपसे ज़्यादा यूनिट बाय कर लूँगा, रेट मुझे अच्छे दे दो। वो कहेगा कितने यूनिट बाय कर लेंगे, उसे आप कहो कि मुझे रेट अच्छा दो, अगर आपने मुझे रेट अच्छा दिया तो मैं मज़ीद यूनिट बाय कर लूँगा। अज्यूम करें वो मुझे कहता है कि यार ये मेरी फाइनल प्राइस है, मैं ऐसे कहूँगा यार थोड़ा सा मुझे रेट अच्छा दो, मैं अपनी क्वान्टिटी और बढ़ा लूँगा। वो कहेगा कितनी बढ़ा लोगे, मैंने कहा आप मुझे रेट दे दें एक दफ़ा, अगर आपके रेट मुझे पसंद आए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे क्वान्टिटी ज़रूर बढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 200 यूनिट चाहिए, वो मुझे 200 पे एक फाइनल प्राइस देता है, तो मैं कहूँगा इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है, वो फाइनल मुझे यही कहेगा कि यार ये मेरी फाइनल प्राइस है, इससे कम मैं प्राइस में नहीं दे सकता, ठीक है। मैं फिर उसे दोबारा तरले करूँगा यार कि कम अज़ कम आप, मैं उसे कहो कि आप ये होलसेल वाले रेट नहीं दे रहे, मुझे ज़्यादा रेट चाहिए, और क्योंकि आपने कहा है कि आप रेट अच्छे दे सकते हो। फिर आप उसे ये भी बता दो कि मैंने आपका कमेंट देखा था, आप 40 RS में सेल कर रहे हो, यानी कि आप प्रूफ भी बता दो कि मैंने आपको कमेंट देखा था, आपने 40 रुपये में आप बेच रहे हो और हमने देखा भी था पीछे, यानी कि यहाँ पर हमने इसका कमेंट देखा था कि ये कह रहा है 40 रुपये में। मज़े की बात यह है कि और काम कर दिया जा सकता है यहाँ पर, वो काम ये है कि अगर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि ये जो बंदा है इसका अगर हम स्क्रीनशॉट लेके फिर इसे हम भेज दें और इसे हम कहेंगे यार मैंने ये स्क्रीनशॉट है ये देखा है। अब मैंने इसे बात करते 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 मैंने, अमूमन जो हम यूनिट बाय करते हैं वो 200 से 300 यूनिट बाय करते हैं, ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट, वो ये कि 200 से 300 यूनिट के ऊपर आपको अच्छा रेट मिल सकता है। अगर आप मज़ीद क्वान्टिटी बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने फेसबुक के ज़रिए जाके फाइंड करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर आएँ, फेसबुक के ऊपर आप आके लिखें पाकिस्तान होलसेल मार्केट, ठीक है। मैंने जैसे ही लिखा पाकिस्तान होलसेल मार्केट तो अच्छा इस बंदे का मज़े की बात है रिप्लाई भी आ गया। मैंने ग्रुप्स के अंदर चले जाना है, यहाँ से जो लेफ्ट साइड पर ग्रुप्स का ऑप्शन है, अब ये ग्रुप्स हैं यहाँ पर, मैं इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लूँगा। इन जितने आप अपनी यहाँ पर देखें, कपड़े के हैं, मोबाइल के हैं, ऑनलाइन ये यानी कि ये फ्रूट्स वगैरह के ग्रुप हैं, ये होलसेल जनरल होलसेल है, यहाँ पर कपड़ों के ग्रुप हैं और डिफरेंट हैं, कपड़ों के हैं, मोबाइल एक्सेसरी के हैं, जो आपको ग्रुप चाहिए आप वो ग्रुप लिखें, आपको वहाँ पर वो कोई ना कोई ग्रुप आपको बड़े इजीली मिल जाता है, ठीक है। दराज के भी यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसी तरह बाज़ार ऑनलाइन, ये सस्ते जो बाज़ार हैं, इसी तरह ये भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
एक तो तरीका ये है, आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, वो मैं ग्रुप्स आपको दिखाता हूँ। वो ग्रुप्स मैंने कौन से ज्वाइन किए हैं, वो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं ये, यानी कि मैंने दराज पे पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर दराज वर्चुअल असिस्टेंट, ये ग्रुप है मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं इस ग्रुप को खोलता हूँ। इस ग्रुप के अंदर खोलने के बाद ये यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। इस सर्च के ऑप्शन में आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि हमने ट्विंकल रेजर आगे भी सर्च किया था, तो मैं यहाँ पर दोबारा आके ट्विंकल रेजर सर्च करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लें कि यहाँ पर भी वो शुरू हो गया है कि आई कैन प्रोवाइड ब्यूटी आइटम लाइक आईब्रो रेजिंग, ट्विंकल, सिंगल स्कैरो किट, 5 पीसेस, सिलिकॉन लेड शेव। अच्छा, यहाँ पर बताना शुरू हो गया कि यार ये हमारे साथ, ये कहता है इस ग्रुप के अंदर हमें 2 बंदे मिल गए हैं, ये ग्रुप दूसरा है, इस वजह से यहाँ पर कम बंदे मिले हैं। हम और ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप हमारे पास बेतहाशा हैं, जैसे दराज सेलर पाकिस्तान है। मैं इसके सर्च बार के अंदर आता हूँ, सर्च बार के अंदर आके मैं दोबारा सिंकल आईब्रो रेजर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बंदे मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बंदे मिल गए हैं बानिस्बत उस ग्रुप के। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कह लें कि लोग मिल जाएंगे जो कि आपको डिफरेंट रेट्स दे रहे होंगे। आप उनसे इसी तरह बात करें, निगोशिएशन करें, बड़े प्यार मोहब्बत से बात करें। पहले पोलाइटली डीलिंग करना सीखें, हर बंदे को कन्वेंस करें पहले कि यार वो आपसे आखिर क्यों आपको दे वो प्रोडक्ट, आप उसे क्यों, आपका जो वाई है ना, क्या हमने क्यों बाय करनी है, और उस बंदे से कैसे बाय करनी है, हाउ, वाई और हाउ आपका पहले क्लियर होना चाहिए। वो आपने पहले क्लियर करने हैं कि यार मैंने इससे क्यों बाय करनी है, और फिर मैंने इससे किस तरह बाय करनी है, ये चीज़ें आप उससे डिस्कस कर लें। दो ही तरीके हैं लोकल सोर्सिंग में, ये कि आप फेसबुक पे सर्च करें, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आके सर्च करें। एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि जब आप इन सेलर से बात कर रहे होंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे। इन्हें आप कहें, इनसे पूछें, बाज़ दफ़ा क्या होता है, मोस्टली होल सेलर होते हैं। आप इन होल सेलर्स को कहें कि यार आपके जो ग्रुप है ना, आपके जो ग्रुप हैं वो आपके जो ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को उन ग्रुप्स के अंदर मुझे ऐड कर दो। व्हाट्सएप पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अंदर ये क्या करते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर ये डेली प्रोडक्ट सेंड करते हैं, जो इनकी नई प्रोडक्ट आती है, स्टॉक में आती है, प्राइस अपडेट आती है, ये लोग सब वहाँ पर सेंड कर रहे होते हैं। जो इनकी प्राइस रेंज होती है वो वहाँ पर बताते हैं ये लोग, और बता के आपको बताते हैं कि यार ये हमारा रेट है, इस पर हम देंगे, आपने लेनी है तो बाय करें। आप इन्हें कह दें आपकी पॉडकास्ट है, आपका ग्रुप है, उसके अंदर मुझे ऐड करवा दें, ठीक है जी। ये तरीका हो गया। लेकिन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप और पॉडकास्ट वाला तरीका है, पॉडकास्ट बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर वो आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्टेड होती हैं, वो आपको बता देते हैं यार ये हमारी प्रोडक्ट हैं। एक होती है ब्रॉडकास्ट और एक होती है प्रोडकास्ट, ये दोनों तकरीबन सिमिलर ही काम करती हैं, तो ये आप इनसे कह के इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने बाय करना था ट्विंकल रेजर, सही है, मैं ट्विंकल रेजर के पास गया। मैं इस बंदे को जाके व्हाट्सएप चैट पे मैसेज करूंगा, मैं इस बंदे को जाके चैट पे मैसेज करूंगा कि यार ये वाली प्रोडक्ट मुझे होलसेल के अंदर चाहिए। जिस तरह सेम मैंने इस बंदे से डील की थी, इसी तरह सेम मैं इस बंदे से भी डील करूंगा कि मैं इसे कहूंगा कि यार मुझे आपसे इसके 100 यूनिट चाहिए, या 200 यूनिट चाहिए, या 300 यूनिट चाहिए। आप इसकी सोर्सिंग दराज पे ही फाइंड करें, कोशिश करें। आप ट्विंकल आई रेजर लिखें और आपको जो सबसे कम में बेच रहा बंदा उसके पास जाएं, या जिसके पास सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे यानी कि जो सबसे हाईएस्ट रिव्यू वाला बंदा है, आप उसके पास चले जाएँ और उसे आप कह दें कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। उससे होगा क्या कि जब आप उस बंदे के पास जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको होलसेलर मिल सकता है। दराज पे जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, जो ज़्यादा जिनके पास रिव्यूज़ हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े सेलर्स हैं, वो मोस्टली होलसेल में भी काम करते हैं। तो आप उनसे होलसेल में भी बात कर सकते हैं कि यार किस तरह हमने होलसेल में आपसे बाय करना है, ठीक है। एक ये भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक हो गया जी। ये था हमारा बेसिकली एक छोटा सा किस तरह हमने लोकल होलसेल में बात कर यानी कि सप्लायर्स फाइंड करने हैं। इसके अंदर यार ये जो स्क्रीन पे जो बंदा लाइनें मार रहा है, ये रिमूव कर दे खुद ही, मुझे पता तो चल गया, लेकिन आप भी काइंडली रिमूव कर दें, आपका हसन भाई, आप जो हसन साहब हैं, ये रिमूव कर दें जो लाइनें मार रहे हैं रेड कलर की। अच्छा, अगला हमारा जो तरीका है वो है जी चाइना सोर्सिंग, अली बाबा। यहाँ पर बड़े मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो किस तरह के, अच्छा जी, आपने अली बाबा के ऊपर आ जाना है। अली बाबा के ऊपर आके दो तरीके हैं प्रोडक्ट फाइंड करने के। एक तो आप अपनी प्रोडक्ट का नेम जो है वो सर्च कर लें। दूसरा, अभी ये जो रीलोड हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, क्योंकि वेबसाइट बाज़ दफ़ा ये होती है कि ये बहुत हैवी वेबसाइट है,
हैवी से मुराद ये है कि ये चाइनीज़ में एप्लीकेशन ऐप है सारी, तो जब ये लोड होती है तो ये थोड़ा टाइम लेती है इंग्लिश में जब कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय इमेज और एक आ रहा है बाय नेम, तो मैं इसे करूँगा बाय नेम क्योंकि मैंने सर्च करना है टिंकल आईब्रो रेजर। सही है। अच्छा, अब मैंने टिंकल आईब्रो रेजर जो भी है मैंने इसे सर्च किया है। मैंने यहाँ पर देखना है कि जो मुझे कम प्राइस वाले बंदे मिल रहे हैं, यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि जो सबसे कम लिस्ट में दे रहा हो। अच्छा, ये मुझे बंदा जो टॉप पे है ये मुझे सबसे सस्ता लग रहा है क्योंकि ये 0.06 सेंट पेनीज आप कह लें उनके अंदर दे रहा है, मैक्सिमम 0.7। तो मैं इसे एक नए टैब के अंदर खोल लूँगा, यहाँ पर मैं देखूंगा ये तो बहुत महंगा है लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ये वे मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है ये वाली, ये मेरी प्रोडक्ट है लेकिन इसके रेट ज़्यादा हैं। ये प्रोडक्ट है इसके रेट अच्छे हैं लेकिन इसकी मिनिमम क्वांटिटी 500 पीसीज है, तो मैं ये भी कर लूँगा। मैंने ये बाय कर लिया। अब और मैं देखूँगा जो मुझे सबसे अच्छे रेट मिल रहे होंगे, यानी कि ये वाले जो मुझे दो वैसे बंदे मिले हैं इनके रेट बहुत कम है, बहुत मुनासिब रेट हैं। अब ये देखें, अगर मैं इसे 3,000 यूनिट बाय करता हूँ तो ये मुझे 0.06 डॉलर के अंदर देगा, ठीक है। और कलर इसके पास ये हैं और मैं इसे बाय कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसे बाय किस तरह करनी है, ये तो पहली चीज़ है कि जब आपने आना है और आपने देखना है कि सबसे कम प्राइस किसकी है, सबसे कम प्राइस के साथ आपने कुछ चीज़ें देखनी है। वो चीज़ें आपने क्या देखनी है, पहले ये कि जो सेलर है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि सेलर 3 साल पुराना होना चाहिए, मैं नहीं ऐसा कहता, मेरा मानना ही नहीं है। अगर सेलर आपका जितना भी नया या पुराना है बस उसके ऊपर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि वो सेलर वेरीफाइड होना चाहिए, आपको नज़र आ रहा है ये सेलर जो है SSG ग्रुप की तरफ से वेरीफाइड है। मेरा मानना है कि वेरीफाइड होना बेहतर है, अगर वेरीफाइड नहीं भी होता तब भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर वेरीफाइड नहीं होता तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, उसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस क्या चाहिए चीज़ है कि ये वो सर्विस है जो कि अलीबाबा की तरफ से प्रोटेक्टेड है, यानी कि ये वो बंदा है जो कि अलीबाबा, अगर हम इसे पेमेंट करते हैं तो अलीबाबा पेमेंट को होल्ड करता है अपने पास। पहले अलीबाबा के पास पेमेंट जाती है, जब हमारा सामान यानी कि हमें डिलीवर हो जाता है तो फिर अलीबाबा अपना कमीशन रख के फिर इस बंदे को डिलीवर करता है, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस एक ये चीज़ है। एक ट्रेड इंश्योरेंस सेपरेट होती है, वो सेपरेट क्या होती है कि आप अलग से अपनी पूरी शिपमेंट की ट्रेड इंश्योरेंस करवा लेते हो, यानी कि आप एक सामान ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उस बाय करने के वजह से आप कहते हो कि यार मैं सेफ प्ले करना चाहता हूँ, आप कह लें कि मैंने उसकी इंश्योरेंस करवा ली है कि वो सामान टूटे फूटे या मेरी शिपमेंट में कोई मसला हो तो अलीबाबा उस चीज़ का ऑनर हो, यानी कि अलीबाबा उस चीज़ को हैंडल करता हो, तो ये एक चीज़ मेरे पास हो सकती है। तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो होती है ये जेम्स। ये जो जेम्स हैं, ये जो हीरे बने हुए हैं सामने, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर बंदे के पास एटलीस्ट, ये जितना ज़्यादा बंदा पुराना होता है उतना बेहतर है, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट ये 2 से 3 तो होने चाहिए, रिकमेंडेड 3 है लेकिन मिनिमम 2 पे भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर ना ये बहुत कम होता है कि किसी के पास 5 फुल हों, जिसके पास 5 होते हैं वो बहुत बड़ा सेलर होता है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर होता है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि 2 से 3 आप उसके पास जेम भी होने चाहिए। अब जैसे ये बंदा है, इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस तो है लेकिन इस बंद 4 साल हो गए इस बंदे को, इस ये वेरीफाइड भी नहीं है और इसके पास जेम भी है, इसका मतलब इसकी सर्विस में कुछ ना कुछ तो मसला है। उसका मुझे जो मेजर मसला नज़र आ रहा है कि ये बेच ही कुछ और रहा है, ये इस कीवर्ड के ऊपर है ही नहीं और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे लगता है ये मसला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं आप देख लिया करें। एक ये जो चीज़ है रेडी टू शिप, ये अच्छी चीज़ है। रेडी टू शिप से मुराद क्या होता है कि ये सामान बिल्कुल तैयार होता है, आपने बस ऑर्डर प्लेस करना होता है, ये विद इन अ वीक मतलब 1-2 दिन के अंदर ही ये आपकी पोर्ट के ऊपर पहुंचा देते हैं ये सामान, तो ये चीज़ भी एक बेहतर है। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा टिप्स हैं। एक्स्ट्रा टिप्स क्या है कि आप कोशिश किया करें जब आप स्टार्ट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि आप चाइना सोर्सिंग करना शुरू करेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्टली विदाउट अलीबाबा या विदाउट एक वेबसाइट है 1688 1688, वो भी चाइनीज़ की मैन्युफैक्चर, एक china.com है, एक मेड इन चाइना है, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रब्ता कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रब्ता जब आप करते हैं तो उसमें एक एक जो डर होता है, जो मुझे लगता है वो डर ये है कि उसमें ना फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइना में अव्वल दर्जे के फ्रॉड होते हैं, बेहद फ्रॉड, वो हमारे से भी 2 हाथ आगे हैं, फ्रॉडी कमाल के फ्रॉडी हैं वो लोग। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लिया करें कि जब आप स्टार्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अलीबाबा से या किसी वेरीफाइड वेबसाइट से ही आप बाय करें। मैं तो ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग में अलीबाबा से बाय करें, अलीबाबा पे मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं, अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, तो ये देख लिया करें आप।
अच्छा, अब हमने इस बंदे से बात स्टार्ट करनी है। इस बंदे से बात स्टार्ट, एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इस तरह अपनी प्रोडक्ट सर्च करें और करें। दूसरा इनका होता है कि आप ना रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करते हैं, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होती है आप वो फॉर्म सबमिट करते हैं। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले हम इस तरीके को देख लेते हैं कि हमने इस तरह बात किस तरह करनी है। पहले तो ये चीज़ें, इनकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, यानी कि जो सारा वो इनकी डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहीं तक होती है, ये टाइटल होता है और ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें कि ये क्या चीज़ है और कैसे है। अच्छा, एक चीज़ और कोशिश किया करें, इस बंदे के सिर्फ 8 बायर हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट बायर ज़्यादा होने चाहिए। आप एक और कोशिश कर लो कि इस बंदे के, अज्यूम कर लो हर बंदे का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि थोड़ा हमें अच्छे तरीके से देखना चाहिए, तो आप ये भी अज्यूम कर लो कि यहाँ पर कम अज़ कम कह लो कि 100 बायर हों या 50 बायर हों एटलीस्ट, ये वाला बायर्स का भी ऑप्शन। उससे क्या होता है कि इसके रिव्यूज़ भी अच्छे होते हैं। इसके 2 रिव्यूज़ हैं, लेकिन हो सकता है इस बंदे ने VVRO करवाया हो, यानी कि हम भी तो VVRO करवाते हैं ना, तो ये भी शायद चाइनीज़ तो ढेर सियाने हैं, तो शायद इन्होंने भी कोई सियाणपत्ती दिखा दी हो यहाँ पर। ठीक है जी, लेकिन ये इसका मज़ा ये है कि ये रेडी टू शिप है, फास्ट डिस्पैच करवा देंगे, ये अच्छी चीज़ है। और पेमेंट आप ट्रेड इंश्योरेंस के जरिए ही करवाएं, अलीबाबा प्रोटेक्टेड है। ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टेड बाय अलीबाबा, कि अलीबाबा के ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रेड इंश्योरेंस से, अलीबाबा की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमने इससे चैट शुरू करनी है। चैट शुरू करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे ईमेल कर दें और यहाँ पर कॉलस कर लें, ऐड टू कार्ड कर लें। इसके पास चैट नाव का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वहाँ पर चैट नाव का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं किसी के पास चैट नाव का ऑप्शन हो तो वो ज़रा ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए भी। अच्छा जी, मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि हमें बड़ा सप्लायर मिल जाए जहाँ पर हमें चैट नाव की भी ऑप्शन हो जाए। खैर, यहाँ पर चैट नाव का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर सप्लायर होते हैं जिनसे आप चैट नाव पे जाके बात कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ कि बात आपने करनी किस तरह है। बात करने का तरीका आपका बहुत बहुत सादा होना चाहिए। सादे से मुराद ये कि आपने इनसे बात करनी है बहुत चिल होके, कोई प्रेशर नहीं लेना। बेसिकली चाइनीज़ का क्या होता है कि आप जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतने आपको रेट अच्छे मिलते जाएंगे। अब आप ये देख लें, ये कहता है कि अगर आप 10,000 यूनिट बाय करते हैं मेरे से तो मैं आपको 0.2 सेंट के अंदर दे दूंगा। लेकिन इससे पहले एक बंदा है, अगर हम उससे 3,000 बाय करते हैं तो वो हमें 0.06 के अंदर दे रहा है। समझ रहे हैं आप, इनके कितना फ़र्क है। ये आप प्राइस का जो है, ये आपने अब ये आपकी अपनी गेम है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार एक्सप्लोर करेंगे, जितना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उतना आपको जल्दी समझ में आएगा कि आप किस तरह चाइनीज़ सेलर्स के साइको को किस तरह समझ सकते हैं। मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी और वी चैट के ऊपर भी, वी चैट चाइना में चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर VPS भी लगाते हैं वो लोग भी हमारी तरह। तो वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारे चाइनीज़ होल सेलर मैनुफैक्चरर ऐड हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी जो भी प्रोडक्ट होती है वो मुझे भेज देते हैं। कुछ टाइम टू टाइम वो हालचाल पूछते रहते हैं कि सर आप ये बाय करना पसंद करेंगे, ये वो, मतलब वो काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद करते हैं। और इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक और मज़े की बात ये है कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको सप्लायर्स जो हैं, ये मैनुफैक्चर या जो भी हैं, ये लोग आपको फ्री सैंपल भी देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। और एक और चीज़ होती है FOB, फ्री ऑन बोर्ड सर्विस। तो ये तकरीबन चाइना में मोस्ट ऑफ द सेलर देते हैं, 100 में से तकरीबन 90 सेलर, 90-95% सेलर जो हैं वो देते हैं। तो आप FOB भी देख लिया करें। उससे क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इनकी फैक्ट्री से लेके चाइना की किसी पोर्ट तक, पोर्ट से मुराद के चाइना के किसी समुद्री जहाज तक या किसी हवाई जहाज तक जो अड्डा है उस अड्डे तक ये फ्री पहुँचा देते हैं सामान। तो FOB होता है, DD भी होता है, डोर टू डोर स्टेप प्राइस होती है। आप DD प्राइस भी ले सकते हैं, DD पर प्राइस इनसे ना लें, ये महंगे होते हैं, प्रॉबेबली महंगे होते हैं। बात आपने क्या करनी है कि आपने इन्हें कहना कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे इनसे हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी की बात करें। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3,000 यूनिट मिनिमम लिखा हुआ है, फिर प्राइस अच्छी देगा। आप जब भी चाइना से बाय करें, मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आपकी प्रोडक्ट जैसे ये है, ये सस्ती प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम अज़ कम इस प्रोडक्ट के, अगर मैं सोर्सिंग करूँ इस प्रोडक्ट की, तो मैं 5,000 से लेकर 10,000 के
करीब करीब इस प्रोडक्ट के यूनिट बाय करूंगा, ये मेरा है, ठीक है, ये मेरी एक सजेशन है, ये मैं ऐसे ही करता हूँ, फिर ही रेट अच्छे मिलते हैं क्योंकि सस्ती प्रोडक्ट है ना। अगर प्रोडक्ट थोड़ी महंगी है तो फिर मैं कहता हूँ एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार यूनिट तो फिर भी मैंने बाय करने हैं, एटलीस्ट मेरा मेरा कैप ही होता है कि 2 से 3 हज़ार यूनिट तो बाय करें, ताकि चाइना रोज़ रोज़ नहीं आया जाता और ना ही अच्छे रेट मिलते हैं कम प्राइस के ऊपर, तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने इसे प्राइस का कहना है, मैंने इसे कहना है मिसाल के तौर पर यार मुझे 3 हज़ार, मैं इसे कहता हूँ यार मुझे ना 2 हज़ार यूनिट चाहिए, अब 2 हज़ार यूनिट के ऊपर मुझे ये प्राइस देगा ये वाली, ठीक है, अब ये जब ये वाली प्राइस देगा तो मैं इसे नेगोशिएशन करना शुरू कर दूंगा, मैं इसे कहूँगा यार मैं चाइना, मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सेल्स मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर यानी कि हमारा जो अगला ऑर्डर होगा वो ये कह लें कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा ये आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हमारा अगला ऑर्डर जो होगा वो इससे कई गुना बड़ा होगा, और अल्टीमेटली जाहिर सी बात है हम झूठ भी नहीं बोल रहे कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट चल रहा है, हमें पता है हम चाइना सोर्सिंग इसीलिए जा रहे हैं कि हमें हमारी प्रोडक्ट बिक रही है, जब हमारी प्रोडक्ट बिक रही है तो हम इसलिए जाएंगे ताकि हमें एक अच्छे तरीके से पता चल जाए कि यार अगर इस बंदे की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो फिर अगली दफ़ा हम इससे बाय करें, तो आपने इसे कहना है कि यार मैं अगली दफ़ा आपसे मजीद यूनिट बाय करूंगा, तो फिर आपको ये और प्राइस देगा। निगोशिएशन है भाई, यहाँ पर पाकिस्तानी वैसे निगोशिएशन में बड़े अच्छे होते हैं, तो रोना पिटना ही है आपने इनके आगे, बस प्यार मोहब्बत से मना लेना है, और चाइनीज़ मान जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपका ये वाला सप्लायर डन हो गया, आपकी इससे डन हो गई, पेमेंट आपने इन ही मेथड से करनी है जो पेमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कभी भी एक्सटर्नल मेथड ना यूज़ करें, वो आपको कहता है कि मैं किसी और को देता हूँ वो वहाँ पर पे कर दें, नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर पेज करें, यहाँ पर वीज़ा भी होता है, ट्रांसफ़र मास्टर कार्ड भी होता है, पेपाल भी चल जाता है, वेस्टर्न यूनियन भी चलता है, गूगल पे भी चलता है, चाइनीज़ पे भी चल जाता है, यहाँ पर हर पे यानी कि जो यहाँ पर मैंशन है पेमेंट ट्रेड इंश्योरेंस के ज़रिए, आप सिर्फ वो ही करें, उसके अलावा आप ना करें, कोई अप्लाई ना करें, ठीक है। पेमेंट पाकिस्तान से चली जाती है, थोड़ा सा टैक्स लगता है 0.4% शायद, 0.5% नहीं 4.5% टैक्स लगता है शायद, 4.5% टैक्स लगता है पेमेंट का, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस बंदे को कहना, आपकी इससे डील हो गई, ये आपको कहेगा कि यार मैं आपको DDP प्राइस दे देता हूँ, चाइनीज़ DDP प्राइस बहुत होती है, ये आप चेक कर रहे हैं, शिप टू पाकिस्तान बाय UPC सेवर, तो ये $28 की तो शिपमेंट पड़ रही है मुझे, तो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप देख लें 14 दिनों के अंदर भेजिएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने हमेशा अपना सामान कोशिश करनी है 99% मैं बाय सी मंगवाऊँ, यानी कि समुंदर के ज़रिए मंगवाऊँ, अगर मैं बाय एयर मंगवाऊँगा, जहाज से मंगवाऊँगा, तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ता है, बाय एयर मैंने तब ही मंगवाना है जब मुझे बहुत इमरजेंसी है। अब बाय सी मंगवाने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा होता है जो कि चाइना से आपका सामान पाकिस्तान भेजेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली आप ये कह लें कि एक एजेंट है, एजेंट क्या काम करता है, वो आपके मैन्युफैक्चर से आपका सामान उठाता है, वो आपको DDP प्राइस देता है और वो आपको पाकिस्तान में शिप करवा देता है। अब उस बंदे से जो डील करनी है वो आपसे प्रोडक्ट का वेट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, आपने उसे बताते रहना है और वो आपको रेट दे देगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान, सही है, फ्रेट फॉरवर्ड PKR, तो नहीं PKR तो नहीं है यार, फ्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान, ठीक है जी, मैंने पाकिस्तान में लिखा है, तो अब मुझे ये बंदा, मुझे यहाँ पर पाकिस्तानी बंदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज के अगर मुझे नहीं आते तो ओके, अच्छा यहाँ पर मुझे इस तरीके से मुझे फ्रेट फॉरवर्ड भी मिल सकते हैं, यहाँ पर आप इनसे डील कर लीजिएगा, फ्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, पाकिस्तानी बड़े इजीली मिल जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि आप लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मैंने यहाँ से बहुत दफ़ा ढूंढे हुए हैं और बहुत दफ़ा अच्छे लोग भी मिल जाते हैं यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है कि इसी ग्रुप के अंदर फेसबुक के अंदर दोबारा आ जाएं, जहाँ पर आपने ढूंढा था फ्रेट फॉरवर्ड, अब आप एक्सट्रीम कॉमर्स का ले लें या इनेबलर का ग्रुप ले लें या किसी दूसरे का ग्रुप ले लें, यहाँ पर आप लिखें आके फ्रेट फॉरवर्डर, सही है, चल भाई सही है, मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर आया, सर्च के अंदर गया, मैं फ्रेट फॉरवर्डर चाइना लिखता हूँ तो जनाब आला एनी फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू पाकिस्तान, एनी फ्रेट फॉरवर्ड टू चाइना टू पाकिस्तान, सही है, ये मुझे चाइना टू पाकिस्तान के मुझे बेहद आशा बंदे मिल जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से इन बंदों से डील कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये लोकल होते हैं, तो लेकिन इनमें ये देख लीजिएगा कि बंदा वेरीफाइड हो, 2 नंबर ना हो, ये एक चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा,
वरना यहाँ पर रेट अच्छे मिल जाते हैं। ये वाले जो लोग होते हैं ये, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी होते हैं तो इनसे हम मछली देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है फ्रेट फॉरवर्ड फाइंड करने का कि आप लोकली फाइंड कर लें। लोकल में क्या होता है कि आप जो हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं, वो जो लोग इम्पोर्ट करते हैं सामान, तो आप उनसे कहें कि मेरा ये सामान है मैंने मंगवाना है, तो वो लोग कर भी देते हैं ये चीज़ भी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये शेख दानियाल की एक पोस्ट है यार, ये पढ़ लीजिएगा, ये अच्छी चीज़ है, ये इसकी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा, ये अच्छी पोस्ट है, मैंने खुद पढ़ी हुई है ये। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं जो आपसे वो बात कर रहा था कि हमने किस तरह फॉर्म फिल करना है, चाहिए मैं जाता हूँ अली बाबा के ऊपर, ये बस हमारी आखिरी चीज़ है, इसके बाद आज का लेक्चर हमारा ख़त्म है। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत आसान था, बहुत छोटा सा था, उसकी वजह ये है कि इस चीज़ को मैं पहले भी ऑलरेडी भर चुका हूँ, यानी बता चुका हूँ लोगों को इसके बारे में, हमारे उस ग्रुप के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। यार यहाँ पर एक फॉर्म होता है, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा अभी किधर होता है वो। जब हम इधर आते हैं तो हमें एक फॉर्म मिलता है जिसे हम फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, बेसिकली आप मेरी एक और वीडियो में देख लीजिएगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फॉर्म ही होता है, आई गेस ये खुल गया, यही वाला फॉर्म है। अच्छा ये आप देख लें कि आप यहाँ पर ये फॉर्म्स होते हैं यहाँ पर, कि आप फॉर्म आके यानी कि बता देते हैं कि मैंने ये गेट कोटेशन, ये वाला बेसिकली वो फॉर्म है जो मैं कर रहा था, सबमिट बाइंग रिक्वेस्ट। आप ये वाला बाइंग फॉर्म होता है मैनुफैक्चरिंग के ऊपर, आप यहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट की, ये वाला फॉर्म है बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा था, इस पे आप पर आके सब कुछ अपनी प्रोडक्ट की डिटेल शेयर कर दें, हर चीज़ फिल कर दें, और जब आप ये फिल करेंगे तो आपको वो जो ये जो अली बाबा है ये अपने जितने भी मैन्युफैक्चर हैं उन तक पहुँचा देगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आके पूरा एक फॉर्म मिल जाएगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट जो है, जो सप्लायर्स और मैन्युफैक्चर हैं वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं।